जम्मू कश्मीर की सरकार है, मौजूदा जो एलजी साहब हैं, इन्होंने को फैसला लिया कि ये जो मुगल रोड का जो ट्रैक है, इसे हम 25 तारीख से पहले पहले खोलें। हम ये नहीं कहते कि ये ट्रैक्स ना खोले जाएं, लेकिन इस वक्त इस ट्रैक का खोलना, हमें खदशा पूरा ये है कि वो जो कश्मीर की जो वैली है, खासकर स्पेशली जहाँ शुपिया का जो ट्रैक है, वो जो रेड जोन में डिक्लेयर हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। अभी तो उन्हें टच भी नहीं किया गया, अभी उन्हें क्वारंटाइन भी नहीं किया, अभी उनकी उनको वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। ये सारे लोग हमारे इस एरिए को, जिसमें आज तक हमारे हम ये कह सकते हैं कि उस परमात्मा की वजह से, कुछ हमारे यहाँ जो पुराने फ़कीर हैं उनकी वजह से, या कुछ और कुछ किसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा रोल यहाँ पे रहा है, उन्होंने भी लोगों को समझाया और लोगों ने उस पर अमल किया। ये सारी बातें कलेक्टिव इस बात को लेगी कि यहाँ पर आज तक कोई केस ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ। हमारा ये मानना है कि अभी इस ट्रैक को ना खोला जाए। मैं ये आपके माध्यम से, आपके चैनल से, या आप इस मीडिया के जरिए से हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि अपील करता हूँ कि फिलहाल इस ट्रैक को आप खोलने की कोशिश ना करें, ताकि मजीद यहाँ पे कोई और हादसे ना हो, कोई जाना ना जाए, और जब हालात साजगार हुए, जब पूरे मुल्क में इसमें कोई रिलैक्सेशन होगी, तो आप इस ट्रैक को भी खोलिए। इसने हमें कोई इतराज़ नहीं। जितने भी लोग आएंगे या गाड़ियाँ आएंगी या उधर से लोग पैदल आएंगे या ट्रक ड्राइवर जिस किस्म के आएंगे, यदि वो पुंछ में आएंगे, सुरंगकोट में आएंगे, या मैंडर या वफलियाज या एडजाइनिंग एरिया में आएंगे, या वहाँ से रजौरी जाएंगे, तो कोरोना महामारी का इससे बहुत बड़ा ख़तरा होगा। अभी तक पुंछ जो है इस महामारी से बचा हुआ है, और अभी कल की बात है कि जो लोग पैदल मुगल रोड से चल कर थन्ना मंडी में आए, वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खसूसी तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर और एलजी साहब से, कि मेहरबानी करके ज़िला पुंछ को बचाइए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पुंछ को भी बर्बाद करें, कोविड-19 यहाँ पर आए, यहाँ पर भी इन्फेक्शन फैले, लोगों की मौत हो, यहाँ पर इन्फेक्शन फैले और यहाँ पर ये महामारी बढ़े, तो आप खोल सकते हैं। लेकिन बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पुंछ अभी तक इस महामारी से बचा हुआ है, मेहरबानी करके इसको बाकी ज़िलों से कनेक्ट मत कीजिए, कुछ अरसा रहने दीजिए, बाकी जो रास्ते चल रहे हैं वहाँ से चलिए। मुगल रोड का खोलना जो है पुंछ को बर्बादी की तरफ धकेलना होगा और इस महामारी को दावत देने के बराबर। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ डीडीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अभी तक जो हमारा ज़िला पुंछ है, ये बिल्कुल कोरोना फ्री है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की ही एक काविशों का नतीजा है कि यहाँ तक अभी कोरोना दाखिल नहीं हो पाया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल की तारीख में मुगल शाहरा खुल जाती है, तो आप ये मान के चलें कि हमारा बिल्कुल जो पड़ोसी कश्मीर के साथ जो एक ज़िला लग रहा है, ज़िला शुपियान, उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया है, और अगर वहाँ से यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त खुल जाती है, तो ये ख़तरा है कि आने वाले वक्त में ज़िला पुंछ के अंदर भी कोरोना दस्तक देगा। ही अपील करूँगा ज़िला इंतज़ामिया से भी और जो भी यहाँ मुतलका महकमा है, मैं उनके साथ अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर मुगल रोड खुलती है तो उसको ना खुलने दें, क्योंकि अगर ये मुगल शाहरा खुल जाती है तो अगर पुंछ के अंदर कोरोना आया तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक मुगल रोड का ताल्लुक है, पहले तो हम बड़े खुश होते थे कि ये फौरी तौर पर खुलनी चाहिए और इंतज़ार में रहते थे कि कब खुले तो हम जाएं, क्योंकि एक वहाँ पर लोग सैर के लिए या ज़्यारतों के लिए या बाकी मामलात इलाज के लिए जाते थे। इस वक्त जो ये कोरोना वायरस का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें आपने सब ने देखा होगा कि जो केसेज़ हैं हमारे वैली से ज़्यादा आ रहे हैं बनस्बत हमारे जम्मू पुंछ के।
राजौरी के। तो अभी तक तो मैं समझता हूँ पुंछ हमारा बिल्कुल महफूज है, और इसी बात को लेके चलें कि ये वायरस जो है फैल रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा हुकूमत का अपना फैसला है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सिलसिला लिया है, लेकिन हम उनसे गुजारिश करेंगे, इल्तिमास करेंगे कि जहाँ तक इतने अरसे तक ये बंद रहा, अगर ये मज़ीद बंद रखा जाए तो इससे पुंछ महफूज रहेगा। और इसमें जैसे पीर की गली है वहाँ पर एक मज़बूत सिक्योरिटी नाका लगना चाहिए, ताकि कोई अननेसेसरी जो है इंसान वहाँ से ना आए जो वहाँ पर पॉजिटिव केस होकर के यहाँ पर हमारे पूरे पुंछ को ख़राब करें। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि इस वक्त हद तलवसा जितना भी हो सके अगर इसको कंट्रोल किया जाए, इसको आगे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा रहे हैं तो इसको भी खोलने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर इंसान इससे बाहर कोई काम नहीं हो रहा है। इसको अगर अभी आप डिले करेंगे जब तक हमारा ये सिलसिला और जो है अच्छा नहीं हो सकता है, जैसे कि वैली के अंदर केसेस शायद कम हो रहे हैं और मज़ीद कम होने की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है कि तब तक इसको जो है डिले करना चाहिए।